नमस्ते सभी को, सभी को नमस्ते। सभी साथियों का हिंदी सत्र में स्वागत है। भाई, हम इस स्लाइड को कल डिस्कस कर रहे थे। जी, तो इस लेक्चर 18 में हम इस बात का ध्यान कर रहे थे कि कैसे सहअस्तित्व का प्रकटन प्रकृति की भिन्न भिन्न अवस्थाओं के स्वभाव और धर्म के रूप में होता है और उसको कैसे मैं देखता हूँ। तो ये दिखता है कि स्वभाव का मैं चिंतन करता हूँ, ये ब्लॉक B1 की क्रिया है, चिंतन बोध अनुभव। स्वभाव का मैं चिंतन करता हूँ, व्यवस्था यानी धर्म यानी धारणा यानी स्वत्व, कोई भी एक शब्द प्रयोग करें, उसका मैं बोध सुनिश्चित करता हूँ और सहअस्तित्व का अनुभव सुनिश्चित करता हूँ। सहअस्तित्व के अनुभव से ही ज्ञान की पूर्णता है, इस बात को हम लोग कल ऑब्जर्व करते रहे, है ना। इस पर कई बार बात हुई है, इसको हम अभी अपने आप में ध्यान से देख पाए। नमस्कार कुमार भैया, जी आवाज नमस्ते। आ रही है? जी आ रही है। हाँ, एक चित होता है और एक होता है चिंतन। जी तो जब चित परास्त हो जाता है, परास्त हो जाता है, तो चिंतन को कैसे उपयोग किया जाए? देखिए, चित्त में ही चिंतन की क्रिया हो रही है। चित्त शब्द का प्रयोग भिन्न भिन्न जगहों पे भिन्न भिन्न प्रकार से हुआ है, बट यहाँ जिसको चित्त कह रहे हैं वो तो चिंतन की क्रिया का जो बल है उसी को चित्त कह रहे हैं, जहाँ चिंतन की क्रिया हो रही है। जी, तो चित्त परास नहीं होना है, चित्त को जागृत अच्छा, होना है। अभी चित्त परास्त होता है, अभी जो स्थिति है मान्यताओं के कारण जी हमारे बहुत सारे गहरे गहरे संस्कार बन जाते हैं, बिना जाने भी है जो हम चीजों को मान लेते हैं, उससे फिर हम परेशान दुखी होते रहते हैं। बट एक बार हमको दिखाई दे कि वहीं पे चिंतन की क्रिया भी है और उसको जागृत करना है। जी जी धन्यवाद। बढ़िया भैया जी, और किन्हीं कोई प्रश्न हो तो। चिंतन में स्वभाव का चिंतन होना है। स्वभाव का मतलब है अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदारी, और इस तरफ देखते हुए समग्र व्यवस्था में भागीदारी। जी जी भैया, बढ़िया धन्यवाद। जी। एक बार और क्लिक करिएगा। तो जो हमने चर्चा पहले की उसको एक बार और फिर दोहरा लेंगे। तो इस मॉड्यूल 4 में हम देख रहे हैं कि अस्तित्व किस प्रकार सहअस्तित्व है और किस प्रकार सहअस्तित्व का प्रकटन भिन्न भिन्न अवस्थाओं में हो रहा है, तो हमने देखा था। और पिछले लेक्चर 17 में इन बातों को उसको एक बार और दोहरा लेंगे। जी नेक्स्ट भैया। तो समर्जेंस के रूप में एक तो हमें दिखता है कि जो स्वभाव है, धर्म है, जो क्रिया है, वो समर्जेंस के प्रकटन के रूप में ही है, संपीड़ता के प्रकटन के रूप में ही है। तो शून्य में बने रहते हुए हरि का उर्जित है, इस प्रकार क्रियाशील रहती है। शून्य में बने रहते हुए हरि का नियंत्रित है, इस प्रकार स्वयं में व्यवस्था रहती है। शून्य में बने रहते हुए हरि का परस्परता को पहचानती है, निर्वाह करती है, इस प्रकार उसका स्वभाव निश्चित रहता है। उसी को अगर सीधा सीधा समवर्जन के रूप में देखें तो ऐसा दिखाई देता है कि पदार्थ अवस्था की इकाइयां क्रियाशील है, इसको हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी अध्ययन किया था, और ये सहअस्तित्व की ही अभिव्यक्ति है। जी, वैसे हमने देखा था कि प्राणावस्था की जो इकाइयां हैं उसमें क्रियाशीलता भी है, स्पंदनशीलता भी है, यह भी सहअस्तित्व का ही प्रकटन है। स्पंदन का मतलब संकुचन प्रसारण होना, कंपन होना, ये हमें कोशिकाओं में दिखाई देता है, पदार्थ प्राणावस्था कोशिकाओं में दिखाई देता है। तो स्पंदन के माध्यम से पहचाना, निर्वाह करना हो रहा है, प्राण कोशाओं की पुष्टि हो रही है, संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, और यह सहअस्तित्व की अभिव्यक्ति है। तो प्राण कोशाएं पुष्ट होती हैं यह हमें पता लगता है, किस प्रकार पुष्ट हो रही हैं, ये पुष्टि कैसे हो रही है, कैसे बनी हुई है, लगता है सहअस्तित्व का ही प्रकटन है, शून्य में बने रहते हुए इसी प्रकार से हो रही है। जी भैया, जीवावस्था में देखें तो शरीर में वैसे ही क्रियाशीलता है, स्पंदनशीलता है,
मैम ये देखें तो संवेदनशीलता है, एक बार और क्लिक करिएगा, तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध के प्रति संवेदनशीलता है, और वंश के आधार पर मानना पहचानना निर्वाह करना हो रहा है। तो अगर पशु पक्षियों में देखें तो उनका जो आचरण है तो उसमें शरीर ज्यादा प्रभावी होता है, मैं कम प्रभावी होता है, तो जो शरीर से सूचना आती है उससे ही चयन होता रहता है। इसलिए आप देखेंगे कि उनका जो डेली रूटीन है काफी सेट रहता है, उनके सोने का समय, जागने का समय, उनका जो भोजन लेना है, किन चीजों को लेना है भोजन के रूप में, ये भी बिल्कुल निश्चित रहता है, कितना लेना है ये भी निश्चित रहता है। अगर हमें से किसी के घर के पास कभी बंदर रहते हो तो आप उनका रूटीन देखेंगे तो बिल्कुल निश्चित दिखाई देगा, शाम हुई अंधेरा हुआ पेड़ पे सो जाएंगे, पाँव फटने के साथ ही उछल कर कूद कर अपना सुबह शुरुआत करेंगे, और एक दिन में नियत समय पे भोजन ले लेंगे, इस प्रकार से दिखाई देगा। तो उनका अगर आप देखें उतना सोना तो बिल्कुल एक निश्चित प्रकार से दिखाई देता है। तो जैसा शरीर से संवेदना आ रहा है उसके अनुसार तय कर ले रहे हैं। तो वंश के आधार पर मानना पहचान निर्वाह करना भी हो रहा है, तो अगर क्रूर पशु है तो क्रूर आचरण करता है, अक्रूर पशु है तो अक्रूर आचरण करता है, तो वंश के आधार पर चलता है। अगर वही सेल्फ अगर हिरण के शरीर में है तो अक्रूर आचरण करेगा, वही सेल्फ अगर शेर के शरीर में है, अगर इसको एनालाइज किया जाए तो क्रूर आचरण करेगा, क्योंकि तो शेर के शरीर की जो बनावट है, जिस तरह दांत हैं, पंजे हैं, नाखून है, आते हैं, उसके अनुसार आचरण तय होता है। हिरण का जैसा दांत है, पंजा है, नाखून है, आंत है, वैसा हिरण आचरण करता है जी। और ये संस्कृति की एक व्यक्ति है, ये जो प्रकार से प्रकृति में नियम बना हुआ है, नियंत्रण बना हुआ है, एक संतुलन बना हुआ है, ये सब संस्कृत की ही एक व्यक्ति है जी। भैया एक बार और क्लिक करिएगा, एक बार और। अगर मानव की बात करें तो शरीर में वैसे ही है, क्रियाशीलता है, स्पंदनशीलता है, जैसे कि पेड़ पौधों में है, और मैं में देखें तो संज्ञानशीलता है, तो संवेदनशीलता तो है साथ में संज्ञानशीलता है, तो हम भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध को पहचानते हैं, बट मियरली उसको पहचानने के आधार पर हमारा आचरण तय नहीं होता, हमारा मानना काफी फैला हुआ रहता है, तो जैसा मानते हैं। तो अगर आप कॉलेज के हॉस्टल्स में देखें, IIT के हॉस्टल्स में देखें, तो कुछ बच्चे होंगे जो 9 बजे सो जाएंगे और 4 बजे उठेंगे, कुछ बच्चे होंगे जो 4 बजे सोएंगे और 9 बजे उठेंगे, तो एक रूटीन आपको ऐसा दिखाई देगा। तो जैसा हमने माना हुआ है, उनको लग रहा है कि ये समय उपयुक्त है तो ऐसे सोना जागना है, वो समय उपयुक्त है तो वैसे सोना जागना है, तो हमारा जो मानना है काफी फैला हुआ है, और हमें जानने की क्षमता भी है, ये बात हम लोग देख ही पाते हैं, तो हमें संवेदनशीलता के साथ साथ संज्ञानशीलता भी है, तो हम संवेदनाओं को तो पहचान ही पाते हैं, साथ में हमारे अंदर जानने की आवश्यकता बनी हुई है, जानने की संभावना बनी हुई है, संज्ञानशीलता बनी हुई है, यही पूरा हो जाए उसको संज्ञानीयता का, कि पूरा हो गया, जानना पूरा हो गया, और जानना जो पूरा होता है वो सहस्तित्व के अनुभव से होता है, और ये सब कुछ जो हो रहा है ये सहस्तित्व की एक व्यक्ति है ना, इसको जितना जितना ध्यान से देखते हैं उतना इसको हम अप्रिशिएट भी कर पाते हैं और इसका ज्ञान भी सुनिश्चित कर पाते हैं। कई बार इसको जब हम पूरी तरह से नहीं देख पाते हैं तो इसके बारे में हम कुछ मान्यताएं बना लेते हैं, कुछ भ्रांतियां बना लेते हैं, और कुछ विशेषता बन जाती है हमारे सोचने में, विचार करने में। हाँ, नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। भैया जो मानव शरीर है और जीव शरीर है, एनिमल का जो शरीर है, में स्पंदनशीलता है, और जो सेल्फ है उसमें दोनों में ही संवेदनशीलता है, ये ठीक है भैया? हाँ, तो संवेदनशीलता सेल्फ में है और स्पंदनशीलता शरीर में है, बायो ऑर्डर में है, इसलिए वो बायो ऑर्डर का पार्ट है, तो शरीर में संवेदनशीलता है, सब स्पंदनशीलता है, ऐसा है, ऐसा ही है ना? हाँ, और ये स्पंदनशीलता है जो प्योरली बायो ऑर्डर में है या एनिमल के शरीर में है या मानव के शरीर में, इनमें भी डिफरेंस है भैया या एक ही तरह की?
वो है मुख्य रूप से स्पंदनशीलता है। स्पंदनशीलता के आधार पर जो रूप गुण परिवर्तन हो रहा है अलग अलग प्रकार से हो रहा है। आपके शरीर में भी स्पंदनशीलता है, मेरे शरीर में स्पंदनशीलता है, बट मेरे शरीर का रूप आपके शरीर के रूप से भिन्न है। शरीर में होने वाली क्रियाएं भी भिन्न भिन्न प्रकार से हो रही होंगी। किसी का वात प्रकृति है, किसी का पित्त का प्रकृति है, किसी का कफ का प्रकृति है। स्पंदनशीलता के साथ ही अलग अलग प्रकार का शरीर का ये बना हुआ है, क्रिया बना हुआ है। तो हो इसके पीछे क्या कारण है? जब स्पंदनशीलता अगर सभी में सेम है और आधार में है, तो उसके बाद जो ये रूप में जो परिवर्तन है, इसका आज रीजन क्या हो सकता है? आप बताइए क्या हो सकता है। आपका शरीर का रूप, आपके पिताजी का शरीर का रूप है ना, आपके और साथी संगी के शरीर का रूप भिन्न कैसे है? तो ये तो भैया कहीं कहीं आहार विहार के आधार पे भी हो सकता है और जेनेटिक्स भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती है। तो बहुत सारी कार्यों की परस्परता है, बहुत सारी कार्यों की परस्परता है। उन परस्परता में रूप गुण परिवर्तन होता रहता है। अगर हम प्रकृति को देखें, पेड़ को ही देखें, नीम का ही पेड़ है, एक नीम का पेड़ है उसमें एक मात्रा में पत्ते हैं, दूसरे नीम का पेड़ है ज्यादा पत्ते हो सकते हैं, कम पत्ते हो सकते हैं। नीम में पुष्टि हो रही है, बढ़ रहा है हर दिन, उसमें पत्तों की संख्या बदल रही है, तना का जो हाइट है बदल रहा है। तो जो पेड़ है वो खनिज लवण के संपर्क में है। कोई आज से 5 साल पहले लगाया गया तो वृक्ष बन गया है, कोई अभी लगाया गया है ना, उसका हाइट 4 इंच भी ना हो पाई। हाँ भैया, और साथ भी लगाया गया तब भी उसका बीज कैसा है उस पर निर्भर करेगा, प्लस उसको किस तरह का वातावरण मिल रहा उस पर निर्भर करेगा। हाँ, वैसा ही सभी पे है, सभी पे लागू है। रूप गुण परिवर्तन होते रहते हैं, परस्परता अलग अलग प्रकार से है, उसके अंदर की बनावट में भी भिन्नता है। जो प्राण कोशिकाओं की रचना है किसी शरीर में, उसमें भी भिन्नता है, और जो परस्परता मिल रही है, वातावरण मिल रहा है, उसमें भी भिन्नता है। जी भैया, ठीक भैया, ठीक, थैंक यू। बढ़िया बढ़िया भैया। सर नमस्ते। नमस्ते सर, मेरा प्रश्न यह है कि अगर हम गुण रूप और वातावरण से प्रभावित होते हैं, पर सेल्फ तो सर रूप नहीं है, पर सब सेम ही होना चाहिए, सबका सेम ही है क्या वो सेल्फ तो क्या? पर वो भी क्या परंपरा पर ही निर्भर है कि अगर उसका परंपरा अलग तरीके से मिली है तो हो सकता है वो सेल्फ अपना व्यवहार अलग से करे। ठीक है, सेल्फ तो बॉडी के साथ बना हुआ है और बॉडी के आकार के अनुसार सेल्फ का आकार है, तो भिन्न तो होगा ही ना। तो रूप भी है सेल्फ का, ऐसा नहीं कि सेल्फ में रूप नहीं है। जिसका आकार है उसका रूप है। जी, पर सर वो नजर तो आता नहीं, नजर तो आता नहीं। अभी तो आपको बहुत कुछ नजर नहीं आता, इसका मतलब है नहीं क्या? वाकई में सर ये तो बहुत बड़ी नहीं, अभी तो है। तो ना, है। तो सेल्फ को ही तो ऑब्जर्व करने के लिए हमने पूरा मॉडल 3 लगाया, तो अभी आंखों से नजर नहीं आता, ठीक है, वो तो बात देवन से हो रही है। आंखों से नजर नहीं आता क्योंकि ये जड़ वस्तु नहीं है। आंखों से तो हम आस्वादन करते हैं जड़ वस्तुओं के आकांग का, जी, उनके रूप का। तो चैतन्य वस्तु चैतन्य वस्तु है, वो जड़ तो है नहीं, तो उसके रूप का आस्वादन आप आंखों से नहीं कर पाएंगे ना। इकाई है, सुनने में बना हुआ है वो। हाँ, आप हैं, तो आप हैं, आप शरीर के साथ हैं। तो सर उसके हिसाब से तो हम लोग जी 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 सर, सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मानव के वो जो सेल्फ है वो अगर चल दिखाई नहीं देता पर है, वो अस्तित्व में बना हुआ है और वो दूसरे सेल्फ के साथ को एग्जिस्ट करता है, पर उस सेल्फ में कुछ सिमिलैरिटी होनी चाहिए मानव के संबंध को बनाए रखने के लिए, पर वो भी नहीं है, वो भी नहीं है और वो परेशान रहता है। अभी वो परेशान रहता है, वो ऐसा कहेंगे तो बात फिर दूर की हो जाएगी, अपनी बात कर ले। तो हम ये देख पाते हैं कि मैं परेशान रहता हूँ। जी
नहीं सर, अपनी तो एज यूएचवी ने सही दिशा दिखा दी है, अपनी तो बिल्कुल सही दिशा आपने जो हमारी बना दी है वो अब बन गई है, अब वो पीछे तो जा नहीं सकती, पर फिर भी वो भिन्नताएं बहुत सारी हैं हर एक इंसान में। हाँ तो वो तो है ना, तो अभी तो हम सबका संस्कार अलग अलग प्रकार से है, तो हम सभी चैतन्य इकाइयां हैं, बट हमारा संस्कार अलग प्रकार से है, हमारी कल्पनाशीलता की वस्तु अलग अलग है, हमारे में समझ का स्तर अलग अलग हो सकता है, इसलिए हमारे सुख की स्थिति भी अलग, समझ का फर्क अलग अलग हो सकता है, ये सही है। और सर इसमें जैसे मैं एक और, जैसे अगर हम रिस्पेक्ट कहे तो हम उसको तभी दे सकते हैं सामने वाले को जब हम सोचे वो हमारे जैसा है, सेल्फ उसका, जैसे मैं सेल्फ हूँ वो भी सेल्फ है, तो हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं, पर जब डिफ्रेंसिएशन आ जाती है तो उसमें डिसरिस्पेक्ट आ जाती है। तो इसमें ही सेल्फ भी अगर दूसरे सेल्फ के साथ कंपिटेंसी में जो डिफ्रेंसिएशन दिखाते हैं या होता है तो वहीं पर ही डिसरिस्पेक्ट स्टार्ट हो जाती है सेल्फ की सेल्फ के साथ। सर सही है ना? कॉम्पिटेंस में अंतर है, इसका मतलब ये नहीं कि डिफरेंशिएशन होगा, कॉम्पिटेंस में अंतर होने के साथ साथ में एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकते हैं, नहीं समझते हैं तो डिफरेंशिएट करते हैं, और डिफरेंशिएट करते समय भी हमको सेल्फ के कॉम्पिटेंस पर ध्यान नहीं जाता, शरीर पर ध्यान जाता है, सुविधाओं पर ध्यान जाता है, मान्यताओं पर ध्यान जाता है। यही सर सबसे बड़ी यही बात है कि वो इसमें ही फंसा रहता है ना सर। जी जी सर, एक और क्वेश्चन था मेरा जी सर, मैंने वो लिखा भी था चैट बॉक्स में कि ये कब पता चलता है कि मेरे में उदारता आई है, मैं सेल्फ में, तो वो किस तरीके से मैं जांच और पड़ताल करूं? अगर उदारता होगी तो हमारे में मानव लक्ष्य की पूर्ति के लिए तन मन धन लगाने की प्रवृत्ति होगी, अगर वो नहीं है तो उदारता नहीं है, तो हमारे में ये दिखता है कि समाज को अखंड बनाने के लिए, व्यवस्था को सार्वभौम बनाने के लिए मैं अपना तन मन धन लगा पाऊं, ये जो भाव मेरे अंदर आता है तो उदारता के रूप में दिखता है, आचरण के रूप में दिखाई देगा कि हाँ हम अपने आप को इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे पास जो भी खाली समय है उसको हम लगा रहे हैं, भागीदारी अतिरिक्त, जी अतिरिक्त सुविधा है उसको लगा रहे हैं, और पूरे समय हम इस पे ध्यान दे रहे हैं, इसका विचार कर रहे हैं कि शिक्षा कैसे मानवीय हो, समाज के लोग कैसे समझदार जिम्मेदार हो, तो हम इसमें मन भी लगा रहे हैं, तन भी लगा रहे हैं और धन भी लगा रहे हैं, जो हमारे पास अतिरिक्त सुविधा है, हम जो उपार्जन कर रहे हैं उसमें से एक हिस्सा हम समाज के लिए भी लगा रहे हैं। सर एक क्वेश्चन और आता है कि जैसे हम लोग के बड़े बुजुर्ग ये हम लोगों को बोलते थे कि अगर सेल्फ में नीति यानी कि नियत सही हो तो आदमी की कटौती में भी गंगा होती है, तो वो तन मन धन, अगर धन भी नहीं है तो तन मन लगाने से काम चल जाता है? देखिए काम चलाने की बात नहीं है, एक तो हम अपने लिए भी इंश्योर करें कि सुविधा की जो आवश्यकता है शरीर के पोषण संरक्षण सदुपयोग के लिए उससे अधिक काम उपार्जन कर पाए, और ये भी दिखता है कि मैं शरीर के उपार्जन, सर आप ये थोड़ी सी स्पीड में बोल जाते हैं, वो एकदम से सारी चीजें ना स्लिप होने लग जाती सर, तो हाँ जी मतलब शरीर के पोषण के लिए, शरीर के नर्चरिंग के लिए, शरीर के संरक्षण के लिए, यानी शरीर के प्रोटेक्शन के लिए, शरीर के सदुपयोग के लिए, राइटाइजेशन के लिए सुविधा की आवश्यकता है, और मैं श्रम पूर्वक उससे अधिक उत्पादन करता हूँ, उससे अधिक मैं उपार्जित करता हूँ ताकि मेरी आवश्यकता पूरी हो, और उससे अधिक का उपार्जन करता हूँ और शेष का मैं मानव लक्ष्य के अर्थ में यानी समाज व्यवस्था के अर्थ में लगाता हूँ, तो इसकी जरूरत नहीं है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, नहीं हाँ। तो करें आवश्यकता को ठीक से पहचान ले, अपनी आवश्यकता को सीमित करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वो सीमित है, उसकी सीमा को ठीक ठीक पहचानने की जरूरत है, और हमारे में जो श्रम करने की क्षमता है उसका हम सदुपयोग करें, उसको ठीक से पूरा करें, और सिर्फ मैं ही क्यों, परिवार करने से दसी पूरा करें, अगर मेरे पूरा करने से नहीं पूरा हो रहा, मेरे श्रम करने से नहीं पूरा हो रहा तो भी पूरा करें, और फिर हम समाज के लिए भी लगाएंगे, तो उसी समाज से हमें बहुत सारी चीजें मिल रही है, जो सुविधाएं मिल रही हैं समाज से मिल रही हैं, जो संबंधों का निर्वाह कर रहा हूँ मैं समाज में कर रहा हूँ, जो शिक्षा मिल रही है समाज से मिल रही है, इसलिए लगाएंगे भी। जैसा शिक्षा तो हमने समाज से ही ली है तो हमें उसको रिफंड में भी देना चाहिए सर। जी जी तो अभी हमको दिखता है कि हाँ
एक तो हमको आवश्यकता की पहचान होती है और इससे अधिक उपलब्ध दिखाई देता है, तो एक सहज भाव के हम उसको लगाते ही। अभी ये दिखी रहा है कि धरती पे जितने भोजन की आवश्यकता है उससे 6 गुना उत्पादन हो रहा है और फिर भी लोग भूख से मर रहे हैं, यानी कि सुविधा की कमी नहीं है। कुछ लोग हैं जो जो अत्यधिक सुविधा है उसका प्रयोग कर रहे हैं, उससे वो भी समृद्ध नहीं हो पा रहे और मानव लक्ष्य की पूर्ति भी नहीं हो रही। तो अगर हमको ये दिखाई दे जाए कि मेरे पास आवश्यकता से अधिक है, उसका प्रयोग करेंगे, सदुपयोग करेंगे, और ये भी आपको दिखाई देगा कि समाज में मुख्य आवश्यकता सुविधा की नहीं है, समझ और भाव की है, तो हमको सिर्फ सुविधा लगा के सोच लेना है कि नहीं काम पूरा हो गया, ऐसा नहीं है। समझ और भाव को केंद्र में रखे जाएंगे। राइट सर, ठीक है सर जी, सर बहुत अच्छा समझाया सर, थैंक यू वेरी मच सर। बढ़िया दीदी, नमस्ते भैया। नमस्ते भैया, मेरा एक सवाल था, जैसे कि अब 4 ऑर्डर है, क्या फ्यूचर में ये संभावना है कि 5वां ऑर्डर भी हो जो हमसे भी मोर एडवांस हो? देखिए, इकाइयों के रूप में देखें तो जड़ इकाइयां होंगी, चैतन्य इकाइयां होंगी। हाँ भैया, जड़ इकाइयों का जो एक सोफिस्टिकेशन लेवल है, हाईएस्ट रूप में देखें तो मानव शरीर है। चैतन्य इकाइयों में अगर विकास देखें तो जो हाईएस्ट है वो है कि अनुभव की क्रिया संपन्न हो। हाँ भैया, तो ये हो सकता है कि एक समय के बाद शिक्षा संस्कार पूर्वक ज्ञान अवस्था में इनकी संख्या बढ़ जाए, तो इनका पूरे जीने का ढंग बदल जाए। जैसे अभी भी समाज में देखें तो कई हाँ। प्रकार के मनुष्य दिखाई देंगे। हाँ, जैसे हम कुछ लोगों को देख पाते हैं कि वो बिल्कुल जंगल में रह रहे हैं, पशु पक्षियों के साथ रह रहे हैं, उनका जीना एक प्रकार से। हाँ भी। कुछ लोगों को दिखाई देंगे कि ज्यादा काम शरीर से कर रहे हैं, पसीना निकाल रहा है, उनका जीना एक प्रकार से। तो लोग हाँ। विचार का बहुत प्रयोग करते हैं, मेधास का बहुत ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, हाँ उनका जीना एक प्रकार से। कुछ हाँ। लोग होंगे जो ज्ञान के लिए ज्यादा काम कर रहे हैं। हाँ भी। तो अवस्था के रूप में तो वही है, परंतु में विकास की स्थिति अलग अलग प्रकार से हो सकती है, आचरण की स्थिति, जीने के कार्यक्रम अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं। और ये भी संभावना है कि हमारे शरीर की रचना में परिवर्तन होता रहे, जैसे अभी है ना, हमारा शरीर आज से 1000 साल पहले जैसा रहा होगा उससे भिन्न दिखाई देता है। जी भैया, अभी जो बहुत सारी सूचना आती है, कितना वैलिडेटेड है नहीं पता, बट जो शरीर का साइज बताते हैं, पहले जिस तरह का साइज था उससे धीरे धीरे कम होने लगा है। जी भैया, तो पहले हम लोग जंगलों में रहते थे, है ना, बहुत ज्यादा हम लोग चलते फिरते थे, बहुत ज्यादा हम लोग शरीर से काम लेते थे, साधन की कमी थी, तो शरीर भी हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ हुआ करता था। अभी अगर हम देखें तो बहुत सारे काम तो हमारे मशीनें कर दिया करती हैं। हाँ भैया, कि नहीं, तो अब शरीर की जो रचना है उसमें परिवर्तन हो रहा है। अगर हम शरीर के कुछ अंगों का प्रयोग ना करें लंबे समय तक, तो धीरे धीरे वो अनुवांशिक रूप से लुप्त होने लगेंगे। जी भैया जी, ठीक है भैया, शुक्रिया भैया। बढ़िया भैया। भैया नमस्ते। जी नमस्ते भैया, मेरे को ये समझना था कि जो मेरे को समझ आ रहा है कि जनरली क्या होता है कि हम लोगों को जज करते हैं या उनसे हम डील करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ उनके ऑब्जर्वल बिहेवियर, और जहां तक लर्निंग की बात हो रही है हमें उससे ना जाकर उनके इंटेंट को समझना है, और जितनी भी बातें होती है, जो भी सिचुएशंस हमारे सामने आते हैं, कोई एक प्रपोजल है और उसका आकलन सही तरीके से करना है, तो हमें इंटेंट देखना है ना कि बिहेवियर को लेकर जज करना है, तो चीजें उससे ज्यादा ठीक ठीक बेहतर समझ आती हैं, और मोस्टली हम बायस माइंडसेट पर नहीं जाते हैं। तो ये कल 2 दिन से मैं थोड़ा रिफ्लेक्ट कर रही थी, तो मुझे ये समझना था कि ये डायरेक्शन सही है या इसमें कुछ और भी मुझे सोचने देखने की आवश्यकता है। जी, इसमें थोड़ा सा और उसको ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि हर व्यक्ति का इंटेंशन तो साउंड ही है, हर व्यक्ति में समझने की क्षमता है ही, बराबर, हर व्यक्ति के समझने का कार्यक्रम निश्चित है, जांच हाँ। परख के द्वारा जी कर समझेगा, उसके साथ मैं उसके कॉम्पिटेंस का इवैल्यूएशन भी करता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि कॉम्पिटेंस को नहीं देखना है, क्योंकि जो निर्वाह होगा तो कॉम्पिटेंस के स्तर पर ही होगा। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको हम कह दे एक भारी सामान लेके चलो, नहीं ले पाएगा, तो उसका भी उतना ही कॉम्पिटेंस है कि वो हल्की फुल्की चीजें कर सकता है।
तो उसमें पर्पज वही है, प्रोग्राम वही है, पोटेंशियल वही है, बट शरीर की बनावट इस प्रकार की नहीं है। अभी कंप्यूटर से थोड़ा ब्रॉडर सेंस में यूज कर रहे हैं, तो शरीर की बनावट ऐसे नहीं कोई भारी सामान लेके चल पाए, उसको नहीं देंगे उठाने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम कॉम्पिटेंस को भी देख रहे हैं, और जो जीना होता है हमारा कॉम्पिटेंस के साथ होता है, और जो भाव होता है उसमें तीनों बातों की स्पष्टता होती है। पर्पज ठीक है, प्रोग्राम ठीक है, पोटेंशियल ठीक है, कॉम्पिटेंस अलग अलग प्रकार से। इसको देखते हुए जब हम कॉम्पिटेंस को इवेलुएट करने जाते हैं तो ठीक से इवेलुएट कर पाते हैं, फिर हमारे अंदर उसके प्रति कोई विरोध का भाव, कोई द्वेष का भाव, कोई अनर्गल भाव नहीं होता, उसको अपने जैसा स्वीकारते हुए करते हैं। तो कॉम्पिटेंस को भी देखेंगे, कॉम्पिटेंस बहुत बारीकी से हम देख पाते हैं जब हमारे अंदर ये अश्योरेंस होता है। जैसे अभी हम किसी के साथ बैठे और बैठ के हम दिन दुनिया की बातें करें, है ना, सरकार की बातें करें, बाजार की बातें करें, तो वो भी उसी समीक्षा में लग गया या आलोचना में लग गया, हम भी लग गए, वो चार घंटे के बातचीत से हमको उसके बारे में कुछ खास पता नहीं चला। बट उसी में अगर हम 10 मिनट भी उस व्यक्ति से पूछें कि आपके परिवार में सब कैसा है, आपका भाव कैसा है, इन दिनों आप आराम में है या परेशान है, क्यों आराम में है, क्यों परेशान है, इन सब चीजों को हम पूछें तो पता लगेगा। तो अगर हमारे अंदर, अगर हमारा जीना ठीक है, हमारी प्रायोरिटी निश्चित बनी हुई है, तो हम कॉम्पिटेंस के इवैल्यूएशन को ज्यादा ठीक से कर पाते हैं, उसके समय भी ठीक से लगा पाते हैं, और फिर प्रोग्राम भी ठीक से बना पाते हैं। जी भैया, थैंक यू भैया। बढ़िया दीदी जी। भैया नमस्ते सभी को। नमस्ते भैया। कल के अभ्यास में मैंने ये पाया है, जो भी अपना डिस्कशन चल रहा है, को एग्जिस्टेंस, भागीदारी, मानव लक्ष्य के, तो भैया अभी जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं सभी लोग, सभी मानव, पर्टिकुलरली मैं अपनी बात कर रहा हूँ, क्लास में जब पढ़ाने जाते हैं या घर में बच्चों को पूछते हैं, तो उसमें भैया थोड़ा सा जनरेशन गैप नाम की चीज दिखाई देती है, तो इस पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे भैया प्लीज। ये जनरेशन गैप का मतलब इतना ही हुआ कि अभी एक्सपोजर अलग प्रकार का है। जैसे हम, जैसे आप जब रहे होंगे 17-18 साल के, तो मोबाइल जैसी चीज को नहीं प्रयोग करते होंगे, अभी के बच्चे स्मार्टफोन प्रयोग कर रहे हैं। जी भैया। उस समय हम लोग ज्यादा चीजें हाथ से लिखते थे, पेन से, पेंसिल से, अब बच्चे टाइपिंग करते हैं, है ना जी। अब उसका दौर आगे आ जाएगा तो लिखना भी, टाइपिंग भी करना बंद हो जाएगा, खाली बोल के काम चल जाएगा, AI करके, ट्रांसक्रिप्ट खुद ही करेगा। तो अब क्या होता है कि ये जो हमारा अभ्यास है वो समय के साथ बदल रहा है। अब हम अगर इसी को एक्सलेंस मान लें कि यही श्रेष्ठता है, यही मेरा विकास है, तो लगता है जनरेशन गैप है। तो हमको लग सकता है कि बड़े बुजुर्ग को क्या आता होगा, है ना, इनको मोबाइल चलाने आता नहीं, इंस्टाग्राम पे इनका प्रोफाइल बनाने आता नहीं। जी जी जी, मेरे साथ भी ये होता है। और हमें आता है तो हमको लगता है कि ये सब आगे की चीजें हैं, वो तो बुजुर्ग हो गए, पुराने हो गए। तो ये जनरेशन का तब बनता है जब हम इन तरह के स्किल्स को एक्सेलेंस मान लेते हैं जी। इसको सीखने को ही हम विकास मान लेते हैं, उससे हमारा अधिमूल्यन होने लगता है और दूसरे का अवमूल्यन होने लगता है। और जब जी रहे होते हैं तो ये स्किल्स ज्यादा काम नहीं आते, जो ज्यादा काम आता है वो होता है कि हम संबंधों का निर्वाह कितना ठीक से कर पाते हैं, शरीर का ध्यान कितना ठीक से रख पाते हैं। तो बुजुर्गों को देखें तो उन्होंने इसको किया है लंबे समय तक, तो उनके पास एक्सपीरियंस है इसका, हमारे पास का एक्सपीरियंस नहीं हो सकता कि नहीं, तो वहां पे उनकी स्किल्स ज्यादा अच्छी जी। तो ये अगर हम एक होलिस्टिक थॉरो इवोल्यूशन करें, पूरा राइट इवोल्यूशन करें, तो इन चीजों को, दोनों चीजों को देखेंगे कि खाली मोबाइल चलाना, इंस्टाग्राम का प्रोफाइल ओपन करना, ये कंप्लीट प्रोग्राम नहीं है, ये प्रोग्राम का भाग हो सकता है, कंप्लीट नहीं है। अभी तो ये हो गया कि हर 10 साल में, जनरेशन की भी क्या बात करें, हर 10 साल में जो जीने का ढंग है वो बदल जा रहा है। अभी 10 साल पहले देखिए तो ये स्मार्टफोन्स नहीं थे, कीपैड फोन से काम करते थे। बिल्कुल। उससे 10 साल पहले देखें तो कुछ और भी चीजें कम थी, अब हो गया है। ये सब चीजें बदल रही है तेजी से। अभी अभी AI आ जाएगा, अभी IoT पे और काम होने लगेगा, चीजें और बदलेंगी। बट ये हमको दिखाई दे कि ये सब अल्टीमेटली सूचना है, ये सब शरीर के लिए साधन है, ये अपने आप में साध्य नहीं है। जी भैया, हाँ ये तो एकदम करेक्ट है, लेकिन ये जो अभी हमने 2-3 मिनट डिस्कशन किया है, ये सारा फिजिकल फैसिलिटीज के ऊपर हो गया, भौतिक सुविधा के ऊपर, बरोबर भाई?
जी। अगर हम मानते हैं क्या कि जैसा जनरेशन टू जनरेशन या हमारे जो बुजुर्ग है और हम हैं और हम हमारे बच्चों को, तो कुछ संस्कार में कमियां हो रही हमारी तरफ से। मैं अपनी बात करूं, मेरी तरफ से अगर मेरे बच्चे कुछ, बिल्कुल हो रही होंगी, मतलब बिल्कुल संभावना है इसकी, क्योंकि अगर हम बच्चों को साथ में रखकर संवाद न करें, उनसे हम ऐसे प्रश्न न करें, उनको जांचने समझने का अवसर न दें। तो देखिए अभी से क्या हो रहा था, एक पीढ़ी दो पीढ़ी पहले मानने के आधार पर ही बहुत सारा हम बच्चों के सामने रखा करते थे, जैसे कुछ स्पिरिचुअल टेक्स्ट बुक रखना, उसकी कथा कहानियों पर बात करना। तो भले ही बच्चा उसको पूरा जांच ना पाए, परंतु उसके प्रभाव में कुछ चीजों को श्रेष्ठ मानकर एक तरफ से जीने का ढंग बना हुआ था। जी बिल्कुल। अब बच्चों के सामने वो हमने हटा दिया कंटेंट, उस पर क्वेश्चनिंग भी कर रहे हैं हम, वो क्वेश्चनिंग करना एक ठीक ही बात है, क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, बट राइट प्रपोजल भी ना ले जाए जी। तो बच्चों के अंदर वो संस्कार बन नहीं पा रहा। तो या तो मानने के आधार पर आचरण की थोड़ी निश्चितता बनी रहे, नहीं तो जानने पे बन जाए। अगर मानना भी हम हटा दें, जानने का प्रोग्राम भी ना हो, तो बिल्कुल विक्षिप्त जैसा आचरण होने लगता है, फिर वो बेसुध जैसा आचरण होता है, बेहोशी वाला आचरण शुरू हो जाता है। अभी इतने सारे जो क्राइम हो रहे हैं, सुनाई पड़ता था कि बस मैं वही पॉइंट पे आना चाहता था कि हम कर दिए, अभी सब क्या हो रहा है। तो अभी वो संस्कार रूप में वो भी नहीं जा रहा जो मानने के आधार पर जा सकता था, वो भी नहीं जा रहा जो समझने के स्तर पे हो सकता था। इसलिए आचरण की अनिश्चितता बढ़ गई है और बढ़ती जा रही है जी। और ये और बढ़ने ही वाली है अगर सही शिक्षा को नैन शुरू करें। जी बिल्कुल। अभी मतलब आज से पहले देखे तो बच्चों की इच्छा होती थी सरकारी नौकरी लग जाए, बस पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, है ना, कहीं पे सरकारी नौकरी लग जाए, परिवार वाले मानते थे कि हाँ जीवन सफल हो गया इसका, सरकारी नौकरी लग गया। बिल्कुल हमारे जैसा, बिल्कुल। अभी क्या हो गया, बिलियनेयर बनना है कि नहीं, यूनिकॉर्न बनाना है, 100 करोड़ के लिस्ट में एंटर करना है, यूनिकॉर्न बनाना है। अब ये लक्ष्य बदल गया है, बिल्कुल। कैसे बनाना है उस पर कोई बात नहीं हो रही, किसी भी तरह बनाना है, बस नियम कानून को देख लो कि कैसे, है ना, मिनिमम डैमेज के साथ कर सकते हैं, या फिर डैमेज करे भी तो किसी को पता ना चले। अब कुछ जो एक्सेप्टेड नॉर्म मान लिया गया है, भाई ये तो होता ही है जी। तो अगर हम सही शिक्षा ना दें तो सब धीरे धीरे और विकृत होंगी चीजें। मतलब संस्कार की कमियां हमारी तरफ से हो रही भैया, है ना। बिल्कुल हो रही है, माँ पिता की तरफ से भी हो रही है, शिक्षा का जो कार्यक्रम है वहां भी हो रही है, और आसपास के वातावरण जो चल रहा है वहां तो हो ही रही है। जी 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 जी। तो बढ़िया भैया, मतलब अभी जो हम इतना प्रयास कर रहे हैं डेली, आपने अभी बहुत ही सही, मतलब अभी हमको लग रहा है भैया यूएचवी 3 में कि हम सही में यूएचवी पढ़, मतलब हमको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना भैया। ठीक जी जी भैया, नमस्ते, धन्यवाद। बढ़िया बढ़िया भैया। हाँ जी भैया, मैं ये कहना चाहता था, जैसे जो हम जनरेशन गैप वगैरह वर्ड्स यूज करते हैं, ये इसलिए भी होता है कि कई बार हम एज के आधार पर डिफरेंशिएट करते हैं, कभी कभी ये सही भी हो सकता है, कहीं गलत भी हो सकता है। जैसे 20 साल से ज्यादा का डिफरेंस हो, जैसे हम बोलते हैं मोबाइल जनरेशन किड्स, तो कुछ ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट या जो सर्कमस्टेंसेस है वो अलग होते हैं, क्योंकि हमारे फोर फादर्स ने कभी हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी नहीं देखा होगा, कुछ बच्चे ऐसे जो पैदा होते ही मोबाइल फोन देख रहे हैं, तो वो गैप होती है। और वो सभी लोगों के लिए, क्योंकि उनका अपब्रिंगिंग वगैरह एक ही तरह के सर्कमस्टेंसेस में होता है, तो इसलिए हम 20 साल को एक जनरेशन गैप कहते हैं। लेकिन ये इस वजह से भी होता है कि हम एक तरह का ओवर जनरलाइजेशन करते हैं, या हम मान लेते हैं कि सभी बच्चों का जो इंटेलिजेंस है या जो भी है वो सब वो एज पर डिपेंड होता है, और एज के आधार पर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो फिर वो एक टाइप का डिफेक्टिव थिंकिंग हो सकता है। तो इसलिए हमको एज के आधार पर डिफरेंशिएशन नहीं करना चाहिए। धन्यवाद जी। जी बढ़िया भैया, बढ़िया। तो इससे जुड़े कई सारे मुद्दे पर हमने चर्चा की। तो मानव में संज्ञानशीलता दिखाई देती है, ये जानने का काम पूरा हो जाए तो संज्ञानीयता सुनिश्चित होती है। और ये सब कैसे हो रहा है, अगर देखें तो ये शास्त्रित्व की व्यक्ति है, हमें जानने की सहस्वीकृति बनी हुई है, संबंध की सहस्वीकृति बनी हुई है, व्यवस्थापूर्वक जीने की सहस्वीकृति बनी हुई है। और जब भी उस पर बात होती है हमारा ध्यान जाता है, हम अपने आप से प्रश्न करते हैं, हमको जेन्युइन आंसर मिलता है, हर बार वही प्रश्न करते हैं वही उत्तर मिलता है। इतने
लाख लोग वर्कशॉप से गुजर गए। किसी पूछे संबंध पूर्वक जीना चाहते हो विरोध पूर्वक जीना चाहते हो, चाहे जेल का कैदी हो, पुलिस कमिश्नर हो, पॉलिटिशियन हो, कोई स्टूडेंट हो, फैकल्टी हो, मैनेजर हो, डीन हो, डायरेक्टर हो, वाइस चांसलर हो, सब कहते हैं संबंध पूर्वक जीना चाहते, ये इस प्रकार निश्चित है। तो देखिए तो सहस्तित्व का ही एक प्रकटन है, शून्य में संपृक्त बने रहते हुए हमारी चाहना निश्चित है, बस जीना अनिश्चित है क्योंकि चाहने पे ध्यान नहीं दे रहे, चाहने पे ध्यान देने की पूरी क्षमता है हमें, बट अपने आप को शरीर मानकर जीते हुए भ्रमित हो जाते हैं। तो अगर हमारा ध्यान चला जाए अपने ऊपर, वहां ध्यान दे पाते हैं, समझ पाते हैं, तो हमारे अंदर संज्ञानीयता सुनिश्चित हो पाती है। संज्ञानशीलता तो पहले से ही है, एक छोटे से बच्चे को भी देखे तो जानना चाहता है, कोई भी चीज दिख जाए ये क्या है, क्यों है, कैसा है, कोई व्यक्ति घर आ जाए कौन है ये, कहाँ से आए हैं, है ना, ये सारा बच्चे के अंदर भाव बना ही रहता है। तो संज्ञानशीलता तो है, संज्ञानीयता सुनिश्चित हो जाए, इतना ही करने काम है। जी भैया नेक्स्ट स्लाइड लगा दीजिए। ये चारों अवस्थाओं को एक दृष्टि में देखें ऐसा दिखाई देता है। पदार्थ अवस्था में क्रियाशीलता है, प्राण अवस्था में क्रियाशीलता के साथ साथ स्पंदनशीलता है, जीव अवस्था के शरीर में क्रियाशीलता भी है, स्पंदनशीलता भी है, और मैं में संवेदनशीलता है। मनुष्य में देखें तो शरीर में वैसे ही संज्ञानशीलता सॉरी क्रियाशीलता है, स्पंदनशीलता है, और मैं में देखें तो संज्ञानशीलता है, संवेदनशीलता भी है। जैसे जैसे ऑर्डर्स बढ़ रहे हैं आप देखेंगे कि पिछला ऑर्डर का जो क्रियाशीलता है उसमें इंक्लूडेड है, और अगर हम अपने आप में चिंतन कर पाए, बोध को सुनिश्चित कर पाए, सहस्तित्व का अनुभव कर पाए, तो हमारे ज्ञान की पूर्णता होती है। उसी को संज्ञानीयता भी कहा, उसी को क्रिया पूर्णता भी कहा। जी किन्हीं का कोई प्रश्न हो नहीं तो अगली स्लाइड लगा लेते हैं। भैया जो हमारे अंदर कल्पनाशीलता है सेल्फ में, उसका जो आधार है वो संवेदनशीलता है या संज्ञानशीलता है? आधार में नहीं, जो कल्पनाशीलता है उसमें संवेदनशीलता भी है, संज्ञानशीलता भी है, आधार में तो सहस्तित्व है। तो ब्लॉक बी टू में संवेदनशीलता और ब्लॉक बी वन में संज्ञानशीलता ऐसा कह सकते हैं? हाँ हाँ ठीक है भैया, ठीक बढ़िया भैया, थैंक यू भैया जी। तो होमवर्क ग्रुप में देखें तो कंटिन्यू कर रहे हैं पिछले सेशन से ही, पिछले लेक्चर से ही, तो जो असाइनमेंट हम लोगों ने पिछली बार लिया था वो अभी भी अपने को कंटिन्यू करना है। तो ये देखना है कि कौन सा भाव हमको सहज रूप से स्वीकार होता है संबंध में, स्नेह का भाव, द्वेष का भाव, सम्मान का भाव या अपमान का भाव, ममता का भाव या शोषण का भाव, वात्सल्य का भाव या किसी को गुमराह करने का भाव। वैसे देखें शरीर के प्रति कौन सा भाव सहज रूप से स्वीकार होता है, शरीर के पोषण कर शोषण करने का, संरक्षण देने का या उसको बिगाड़ने का, सदुपयोग करने का या दुरुपयोग करने का। वैसे देखें कि सुविधा के प्रति क्या भाव हमको सहज से स्वीकार होता है, संवर्धन करने का या उसको अपव्यय करने का, नुकसान पहुंचाने का, संरक्षण करने का या अदरवाइज सदुपयोग करने का या दुरुपयोग करने का, इसको हम चेक कर सकते हैं अपने आप में। या नेक्स्ट स्लाइड लगाइएगा। वैसे ही हम अपने आप में देख सकते हैं कि हमारा इनेट डिजायर क्या है, हमारा बेसिक एस्पिरेशन क्या है, निरंतर सुख पूर्वक जीना चाहते हैं या अन्यथा। अब ये बातें हम लोग को, आपको ध्यान होगा कि इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप में भी पहले ही सेशन में पूछ लेते हैं और सभी कहते हैं निरंतर सुख पूर्वक जीना चाहते हैं, बट अभी आगे जो पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि क्या हम इसको सहस्तित्व के प्रकटन के रूप में देख पा रहे हैं कि मैं निरंतर सुख पूर्वक जीना चाहता हूँ, उसका मतलब क्या है, मैं निरंतर सुखपूर्वक कैसे जीता हूँ, ये कार्यक्रम क्या है। एकता के अस्तित्व से अस्तित्व है,
निरंतर सुख पूर्वक जीने की चाहना मुझे बनी हुई है, यानी सहअस्तित्व पूर्वक जीने की मुझमें चाहना बनी हुई है। सहअस्तित्व से मैं अभी विमुख हो गया हूँ, नासमझी में मान्यताओं के आधार पर, क्योंकि मेरा विकास पूरा नहीं हुआ, ऊपर की क्रियाएं विकसित नहीं हुई है। जैसे जैसे विकसित होती है मैं सहअस्तित्व के अनुसार जीने लगता हूँ, मेरा भाव विचार सहअस्तित्व के अनुरूप बनने लगता है, मैं आराम पाता हूँ। तो हम देख लें कि ये जो निरंतर सुख पूर्वक जीने की आशा है कैसे पूरी होगी, ज्ञान से होगी, समाधान से होगी, ज्ञान था जी। वैसे अपने आप में चेक करें हम, ये जो स्वभाव है, धर्म है स्वयं में, ये सहअस्तित्व की अभिव्यक्ति है या नहीं है। अब ये थोड़ी सी बातें ऐसी हैं कि आप एक दिन में तो इसको नहीं पूरा कर पाएंगे, परंतु ध्यान में बनी रहे। तो एक तो हमारा सहअस्तित्व पे ध्यान जाए, हमारा शून्य पे ध्यान जाए, संपृक्तता पे ध्यान जाए कि नहीं, ये बहुत आवश्यक है। तो अभ्यास दो के भी सेवेंथ स्टेप में हमने इस पर डिस्कशन किया था कि शून्य को देखना है, शून्य में अपने आप को देखना है। उसको देखेंगे तो सहअस्तित्व भी दिखाई देगा, फिर इन सब चीजों को जो हम एक अचरज से, विस्मय से, रहस्य के रूप में मानते थे, उसे निकल पाएंगे, उसे देख पाएंगे, जान पाएंगे। जी भैया, तो इसको लेकर कोई प्रश्न हो कि नहीं का तो हैंड रेज कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर लगा दीजिएगा नहीं तो। जी, तो हमने देखा कि अस्तित्व सहअस्तित्व है, ये भी देखा कि सहअस्तित्व का प्रकटन है चारों अवस्थाओं में, उनके स्वभाव, धर्म, परम धर्म के रूप में। अब उसको मैं कैसे देखता हूँ, सेल्फ कैसे देखता है, उस पर बात करने वाले। जी, तो अस्तित्व सहअस्तित्व है, यानी शून्य में इकाइयां संपृक्त हैं और हर इकाई के पांच आयाम हैं, रूप, गुण, स्वभाव, धर्म और परम धर्म। इसमें जो स्वभाव, धर्म, परम धर्म है, इसमें निश्चितता है, नहीं पिछली स्लाइड ही, स्वभाव, धर्म, परम धर्म है, इसमें निश्चितता है। मैं शायद रुक गया पिछले स्लाइड में और पहले, हाँ तो यहाँ इसी में, इसी को थोड़ा ओपन अप कर दें जी भाई, इसे ओपन अप करना है पूरा। नहीं नहीं नहीं, मतलब इसी को एक बार क्लिक करिएगा, वो जो रूप गुण में डायग्राम बना हुआ ना, और क्लिक करिएगा जी। हाँ ठीक है, तो रूप और गुण है, इसमें वैरायटी है, भिन्न भिन्न इकाइयों के भिन्न भिन्न रूप गुण दिखाई देते हैं और ये बदलता रहता है समय के साथ, स्थान के साथ, परस्परता के साथ। तो ये ज्ञान की वस्तु नहीं है। जो ज्ञान की वस्तु है वो स्वभाव, धर्म और परम धर्म, जो नीचे तीन चीजें लिखी है, जिसपे हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, देखने का प्रयास कर रहे हैं। और आप पाएंगे कि शब्द उतने ही है, उन्हीं शब्दों को हम बार 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 ध्यान दे रहे हैं। और आप ये भी पाएंगे कि इन पे ध्यान देते हुए, जब हम बारीकी से ध्यान देते हैं, तो हमारे जीने से जुड़े बहुत सारे मुद्दे ध्यान में आते हैं कि उन मुद्दों पर समाधान इन चीजों को समझकर कैसे मिलेगा कि नहीं। तो जितने भी प्रश्न आ रहे हैं, अगर आप देखें तो हम इन इस जो कंटेंट रखा जा रहा है उससे अपने जीने को जोड़कर देख रहे हैं, या स्वयं में कैसे देख रहा हूं, मैं नहीं देख रहा हूं, देख पा रहा हूं, नहीं देख पा रहा हूं, उसको लेकर कर रहे हैं। तो मूल बात उतनी ही है, अगर मूल रूप से देखें तो सहअस्तित्व है, उसी को देखना है, उसमें पूरी उम्र भी लग सकती है, नहीं दिख पाएगा, हो सकता है कि नहीं। तो बार बार इस पे ध्यान देना है, तो भागीदारी पे, संबंध पे ध्यान देना है, व्यवस्था पे ध्यान देना है, सहअस्तित्व पे ध्यान देना है। जी नेक्स्ट भैया, इसमें निश्चितता है, निरंतरता है, सार्वभौमिकता है, उसका ध्यान भी किया, देखा कि हर पदार्थ, पदार्थावस्था की हर इकाई का एक निश्चित स्वभाव है, धर्म है,
प्राणावस्था की हर इकाई का निश्चित स्वभाव है धर्म है, जीवावस्था की इकाइयों का निश्चित स्वभाव है धर्म है, मानव का निश्चित स्वभाव है धर्म है, और सभी संपृक्त हैं शून्य में। इसमें यूनिवर्सैलिटी है, निश्चितता है, निरंतरता है। जब तक किसी एक अवस्था में बने हुए हैं निश्चितता है, तो प्राणावस्था और पदार्थावस्था में चक्रियता बनी रहती है। पदार्थ हो गया तो पदार्थ का स्वभाव रहेगा, प्राणावस्था इकाई बन गया प्राणावस्था का स्वभाव रहेगा। इसको जानना जा सकता है, समझा जा सकता है। इसको ये भी दिखाई देता है कि ये समय के साथ बदलता नहीं है, यूनिवर्सल है। जो मनुष्य देखता है उसको वैसा ही दिखाई देता है। हमारे देखने में भले ही चूक हो जाए, वास्तविकता तो वही है। जी, तो ज्ञान का मतलब है कि इसको देख पाना, इस वास्तविकता को देख पाना जो कंटिन्यूअस है, डेफिनेट है, यूनिवर्सल है। और इसको देखते कहां, हम ब्लॉक बी1 में देखते हैं, चिंतन बोध अनुभव की क्रिया में देखते हैं। जी, तो हमने पहले जो डिस्कस किया था, तो अगर पांच आयामों को देखें, जैसे रूप की बात करें, तो रूप को कहां देखते हैं हम, आकार, आयतन, कलर, इन सब चीजों में देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। ये देखना हो रहा है चयन आस्वादन के असर पे हो रहा है। तो शरीर से संवेदना हमें मिल रही है, हम उसे पढ़ रहे हैं, उससे जो दूसरी इकाइयां हैं शरीर के बाहर, इनके रूप का हमको आस्वादन हो रहा है, इनके आकार का। अगर छूते हैं, अगर आंख मूंद करके छूते हैं किसी को या किसी वस्तु को, उसके आकार का आस्वादन हो रहा है, तो चयन आस्वादन के स्तर पे हो रहा है। अगर गुण की बात करें तो उसमें हम थोड़ा विश्लेषण जोड़ते हैं, तो रूप में परिवर्तन को देख रहे हैं। हमने चूल्हे पे पानी को रखा और चूल्हा ऑन किया और थोड़ी देर पानी खौलने लगा, खौलने से उसके रूप में परिवर्तन हो रहा है, बुलबुले छूट रहे हैं, नया नया रूप पैदा हो रहा है। ये रूप में परिवर्तन हो रहा है, उससे हम उसके गुण का विश्लेषण करते हैं। अच्छा, जब ताप के ऊपर कोई चीज पानी रखा जाए तो वो बुलबुले छोड़ेगा, इसमें अगर चावल डाल दिया जाए चावल पक भी जाएगा। अभी सारा गुण का विश्लेषण करते हैं, तो रूप का तो आस्वादन कर ही रहे हैं, रूप में परिवर्तन के साथ गुण का विश्लेषण कर रहे हैं, तो ये तुलन विश्लेषण के स्तर पे हो रहा है। एक इकाई की दूसरी इकाई के ऊपर परस्परता में क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये विचार की वस्तु है। इकाई का रूप कैसा है, ये आशा की वस्तु है। जी, तो उन्होंने पहले भी देखा था मॉड्यूल 2 में, तो अगर किसी एक इकाई को देखें उसका कोई रूप है, U1 का मतलब एक इकाई, पहली इकाई, U2 मतलब दूसरी इकाई। तो जिस इकाई की बात करें वहां उसका आकार है, आयतन है, घन है। गुण के रूप में देखें तो एक इकाई का दूसरी इकाई के ऊपर प्रभाव है परस्परता में, तो इसमें पहचाना निर्वाह करना हो रहा है, एक इकाई द्वारा दूसरी इकाई के बारे में पहचान निर्वाह करना हो रहा है। तो हम सेंसेशन के माध्यम से जब देखते हैं तो हम उसके रूप को देख पाते हैं और उसके गुण के कुछ भाग को देख पाते हैं। यहाँ बॉडी और सेल्फ दोनों का रोल है, हमारे जो पांच ज्ञानेंद्रियां हैं उनका हम प्रयोग करते हैं, और साथ में देखे तो सेल्फ में जो क्रियाएं हो रही है टेस्टिंग सेलेक्टिंग की, उनका प्रयोग कर रहे हैं। अगर हम देखें तो जब सेंसेशन से देख रहे हैं तो इतना देख रहे हैं, रूप को देख रहे हैं और गुण के एक भाग को देख रहे हैं। अगर हम विचार के स्तर पे देखें तो फिर हम उसके गुण का एक बड़ा भाग देख पाते हैं, कैसे एक इकाई दूसरी इकाई को प्रभावित करती है। और ये काम सेल्फ में हो रहा है, इसमें बॉडी का रोल नहीं है। बॉडी से संवेदना मिल गई, हमने उसको पढ़ लिया, अब मैं उसका विश्लेषण कर रहा हूँ, उसको अर्थ दे रहा हूँ, ये सारा काम सेल्फ में हो रहा है कि नहीं। तो हम उसमें टेस्टिंग कर रहे हैं, सिलेक्टिंग कर रहे हैं, एनालाइजिंग भी कर रहे हैं, कंपेयरिंग भी कर रहे हैं, या कंपेयरिंग को भी ऐड कर सकते हैं। अब अगर हम ये देखें कि क्या एग्जिस्टेंशियल है, क्या है जो बना रहता है, तो उसमें हम उसके स्वभाव को यानी संबंध को यानी भागीदारी को देखते हैं, उसके धारणा को यानी धर्म को यानी स्वत्व को यानी व्यवस्था को देखते हैं, और सहस्तित्व को यानी संपृक्तता को देखते हैं। तो जो संबंध को देखने का काम है वो चिंतन की क्रिया में हो रहा है, कि वो
जो व्यवस्था को देखने काम है वो बोध की क्रिया में हो रहा है, और जो संस्तित्व को देखने का काम है वो अनुभव क्रिया में हो रहा है। तो अभी हम रूप वाले भाग पे तो फिर भी जानकारी जुटा लेते हैं, ये जानकारी है, हम जानकारी जुटा लेते हैं और उसका विश्लेषण कर किसी निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं और वो जानकारी हम शेयर भी करते हैं। बट जो शेष रह जाता है वो ज्ञान है। तो जानकारी तो हम जुटा लेते हैं, ज्ञान शेष रह सकता है। तो जानकारी हम जब भी जुटा रहे हैं इन मुद्दों के बारे में, इसमें कोई निश्चितता निरंतरता नहीं, जानकारी बदल सकती है, जानकारी अपूर्ण रहती है। जो ज्ञान है वो पूरा हो सकता है, चिंतन बोध अनुभव की क्रिया पूर्णतया जागृत हो सकती है। जी, इतनी बात को लेकर कोई प्रश्न हो, ये तो हमने पहले भी रखा था, अगर आपको स्मरण हो तो ये सारी बातें हुई है। बट यदि भैया पदार्थ अवस्था और प्राण अवस्था में जो चेंज होता है, जब प्राण अवस्था कभी पदार्थ अवस्था में बदलती है, पदार्थ अवस्था प्राण अवस्था, कोएग्जिस्टेंस रहता है लेकिन स्वभाव धर्म में परिवर्तन बदलाव आएगा। ये तो सारी बात हो गई ना कि प्राण अवस्था का स्वभाव एक प्रकार से है, उसमें पदार्थ का स्वभाव शामिल है। तो पेड़ जब तक पेड़ बना हुआ है ना, उसके उसका जो स्वभाव है वो सारक मारक के रूप में बना हुआ है। बट यदि वही पदार्थ बन गया तो संगठन विघटन के रूप में है। हाँ भैया, मैं कंफ्यूज था इसलिए पूछा, क्योंकि कहीं ये था कि स्वभाव और धर्म बना रहता है, पर अवस्था बदलती तो स्वभाव धर्म भी उसके अकॉर्डिंग बदलेगा, पदार्थ और प्राण अवस्था। इनफैक्ट बदलने का मुद्दा, अगर बदलना शब्द वैसे कह सकते हैं, बट यही है कि उसमें कमी आ जाती है। प्राण चला जी, जी, तो या तो कुछ ऐड होता है या कुछ कमी होती। हाँ, तो पदार्थ और प्राण में चक्रियता नहीं होता रहता, बट अवस्था के अनुसार निश्चित रहता है। हाँ, हाँ, अवस्था के अकॉर्डिंग निश्चित रहेगा। जब वो पदार्थ में है तो पदार्थ अवस्था का स्वभाव धर्म रहेगा, और जब वो प्राण अवस्था में तो उसका स्वभाव और धर्म रहेगा। जी, वैसे जीव अवस्था का कोई चैतन्य निकाय अब ज्ञान अवस्था में आ गया, इसके स्वभाव में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, बट वापस ज्ञान अवस्था स्वभाव, ज्ञान अवस्था से जीव अवस्था में नहीं जाएंगे जितना भर है, बट ज्ञान अवस्था में आए तो भी हमारे स्वभाव में परिवर्तन, इसीलिए हम उसको डेवलपमेंट बोल रहे हैं, वहां से वापस रिवर्स नहीं होता, चक्रीय नहीं है। जी जी, ठीक है भैया, ठीक, थैंक यू। बढ़िया भैया जी, नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। भैया अभी जो ऐसा मतलब मुझे अपने में ही दिखाई देता है कि मुझे हर जगह पर जाकर उसके बारे में जानना है, ऐसे लगता है, पर ये जानना इन्फॉर्मेशन के रूप में ही है, ऐसा अभी जो बात हुई उससे ध्यान आया। तो समझना मतलब एक्टिविटी ऑफ रियलाइजेशन होना, तो वो कंप्लीट हो सकता है, लेकिन मुझे रूप गुण के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है वो तो कभी कंप्लीट नहीं हो सकती। अगर ये मुझे समझ आ जाए तो ये फियर ऑफ मिसिंग आउट वाला पार्ट भी कम हो सकता है क्या, ऐसा प्रश्न था। हमको दिखे कि जानकारी में कोई उपलब्धि नहीं है, जानकारी एक सदुपयोग की वस्तु है, उपलब्धि तो ज्ञान में है। तभी कई बार हम जो तर्क देते हैं या लोग तर्क देते रहते हैं कि भाई ये जानकारी जुटाने के लिए हम यहाँ घूम रहे हैं, वहां घूम रहे हैं, अगर ज्ञान नहीं है और जानकारी जुटा रहे हैं, जानकारी का क्या प्रयोग करेंगे निश्चित नहीं है, और अगर उसे सुख लेने गए उसमें कभी पूर्णता होगी नहीं। जानकारी जो भी लेते हैं तो कोई पूर्णता होती नहीं, ज्ञान में पूर्णता हो सकती है, तो जानकारी का सदुपयोग करेंगे। जानकारी तो हम लोग लेते ही हैं, जुटाते ही हैं, काम की चीज है, परंतु उसमें कोई पूर्णता नहीं है, तृप्ति की निरंतरता नहीं है, और अनावश्यक जानकारी नहीं जुटाएंगे ज्ञान के साथ। अभी अगर हम संवेदना सुख पाने जाएं, मान्यताओं को पूरा करने के आधार पर सुख पाने जाएं, तो बहुत सारी जानकारियां जुटाते रहते हैं, फिर बताते भी रहते हैं, उसमें कोई उपलब्धि नहीं है। जी जी, धन्यवाद भैया, थैंक यू सो मच। बढ़िया जी, तो समय तो हो चला भैया, आज की चर्चा हम लोग यहाँ रोक सकते हैं।